ठहराइए हजरत, मैं शायरों से, अदीबों से, शायरा से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी निगाहों के सामने इतना बड़ा जो मजमा मौजूद है, इस मजमे के अंदर ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके पास मेरे दोस्तों दौलत सर्वत हमसे कई गुना ज्यादा होगा, ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो हमसे इल्म में बड़े होंगे, ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं मेरे दोस्तों जिनका ओहदा हमसे बुलंद होगा, ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनकी उम्र, जिनका मुताला, जिनका तजुर्बा हमसे कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों सुपौल वालों, एक बात मैं गुजारिश करना चाहता हूं और इन शायरों से भी कहना चाहता हूं कि इन तमाम लोगों ने अपने आप को जमीन के ऊपर बैठना गवारा किया, कुर्सी पे बैठना गवारा किया और अपने से चार फुट बुलंद जगह पे आपको बिठाया, इसलिए बिठाया कि आपकी शख्सियत को इन्होंने दिल से, एहतराम से और कबूल कर लिया है कि तख्लीककार का जो मर्तबा होता है, शायरों का जो मर्तबा होता है, फनकारों का जो मर्तबा होता है, वो काफी बुलंद होता है, ऊंचा होता है। अब यहां हम शायरों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है, शायरों की, शायरा की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मेरे दोस्तों हमारे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकले जो तहजीब के खिलाफ हो, कोई ऐसा जुमला ना निकले जो मियार के खिलाफ हो, बल्कि हमारी हर गुफ्तगू जो हो वो मिसाल बने, कल दूसरे इसको मिसाल के तौर पर पेश कर सके। कल सुबह में जब चाय खाने पर आप बैठे, जिसे हम गीबत खाना कहते हैं, वहां पर बैठने के बाद लोग ये कहते हुए नजर आए, तो मुशायरा को शुरू होने दीजिएगा तब ना, कोई बात नहीं भाई, मुशायरा शुरू होगा तब ना भाई, शुरू होने दीजिए, तो फिर डायरेक्ट कैसे कर देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों हमारी जो हर बीच में जो अगर कोई लुकमा दे दे तो ये तरावी वाला मामला तो है नहीं कि एक जबर जोर का पेश का मामला हो रहा है कि नहीं, तो ये तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। मेरे दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा था कि दूसरे कल इसको इस तरह पेश करें कि फला शायर ने क्या शेर सुनाया, फला शायरा ने क्या शेर पेश किया। मेरे दोस्तों अगर इसको इस तरह से सोचते हैं और सुनते हैं तो मेरे दोस्तों आज का ये मुशायरा एक तारीख रकम करेगा। अगर आप इसको लेकर यह सोचते हैं कि बड़ा मजा आया देखने में, तो मेरे दोस्तों मैं ये नहीं समझता कि मुशायरा कामयाब है। मैं ये चाहता हूं कि आप मुशायरे से लेकर कुछ जाए, आप ये सोचे कि जब मैं मुशायरे में गया तो हमारी जहनी सतह कुछ बुलंद हो गई, हमारी मालूमात में इजाफा हो गया, हम महजब और तहजीब याफ्ता हो गए, हमारी उर्दू जो है पहले से कुछ बेहतर हो गई। अगर ये जाकर आप पेश करते हैं कल सुबह में तो मुशायरा यकीनन कामयाब है मेरे दोस्तों। और ये सुपौल का इलाका अदीबों का इलाका है, आलिमों का इलाका है, हाफिजों का इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है मेरे दोस्तों, ये एक तरबियत का नतीजा है। मैं ये बात कह सकता हूं कि हुजूर शाह में अहले सुखन की आजमाइश है, हुजूर शाह में अहले सुखन की आजमाइश है, चमन में खुश नवाया ने चमन की आजमाइश है, कदो गेसों में कैसे को कहन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां तारो रसन की आजमाइश है। मेरे दोस्तों ये चाहे सुपौल हो, सीतामढ़ी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या कर्नाटक की सरजमी हो, या महाराष्ट्र की सरजमी हो, इस वक्त हमारी हैसियत बिल्कुल इसी तरह से है जैसे किसी दारो रसन को चूमना हो। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे हालात में हमें हौसला को खत्म नहीं करना है बल्कि हौसला को बुलंद रखना है, उम्मीद की किरणों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना है। मेरे दोस्तों इल्म को मकसद हयात समझना है, तब जाकर यह दौरे हाजिर के अंदर आप निगाहों में निगाहें डालकर इन दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे, इनका इस्तकबाल कर सकेंगे। मेरे दोस्तों मैं वही कर रहा हूं भाई, अरे मैं वही कर रहा हूं हमारे यार, क्या यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये पहली बार तो मैं निजामत कर नहीं रहा हूं, अरे इस लंगड़े को इन्होंने चलना सिखाया यार। मैं इकलौता नाजिम हूं, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, वल्लाह कह रहा हूं, मेरे सीने में 30 फरा कुरान है, आज भी शहर जयपुर के अंदर 6 रोज की तरह भी सुनाता हूं, मैं जल्दी हाफिजों का लुकमा नहीं लेता, और मैं वाहिद इकलौता नकीब हूं जिनके हाथ हाथ में कागज का टुकड़ा नहीं होता और सैकड़ों शेर सुनाने की सलाहियत रखता हूं। 30 बारे कुरान को जब 6 घंटे और 7 घंटे में मैं सुना सकता हूं तो ये उर्दू की अहमियत क्या है मेरे सामने, ये शायरी की क्या अहमियत है। तो आप मैं फिरिस्त अपने तरतीब अपने जहन के दरीचों में बसा लिया हूं, आप देखे जाइए मुशायरा कैसे चलता है, उसमें अगर कमी होती है तो आइए, ये बार बार कान में आके फूक रहे जैसे लग रहा है इसराफिल अलैहिस्सलाम आ गए, सुर फूक रहे, कयामत आ रही है, थोड़ा
ऐसा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा जहन मुंतशिर हो जाता है कि नहीं। अम्मा मुझे इजाजत देनी चाहिए। मैं दोस्तों मैं नाते रसूल से मैं यकीनन हमारे बीच में एक बहुत बड़े शायर जिनको मैंने पेपरों में पढ़ा है, मेरे दोस्तों कई किताबों में छपे हैं, साहिब दीवान है, बड़े बड़े आलिम अकाबरीन ने, सूफियों ने, संतों ने इन्हें अपने दाहिने तरफ बिठाया है। अब नाते रसूल इतना अच्छा पढ़ते मेरे दोस्तों कि आप ये देखिए, है हमारे बिरादराने वतन, है हमारे गैर मुस्लिम भाई, लेकिन नबी से अकीदत का क्या आलम है। जब उनके शेर को सुनेंगे तब पता चलेगा कि शैदर कैमूरी क्या है। लेकिन वहां तक का सफर इतनी आसानी से हम कर ले कैसे हो सकता है। उनकी शख्सियत का लोहा हम उस वक्त मनवाएंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे उस तसलसल के साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्यारी सुन नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों नाते रसूल क्या है, हजरत सादी ने कहा कि बलगल गुलाबी कमाल ही, कशफत दुजाबी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही, पहुंच गया बलंदी पे अपने कमाल से, अरे खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान को एक शायर ने कहा कि तेरे बोरियों पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को आर्श बना दिया, तेरे फितरे फाका ने हल किया माशियात के मसले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों ये बात डॉक्टर राहत इंदौरी तक पहुंचती है, राहत इंदौरी के चार मिसरे आप तक पहुंचे होंगे कि जमजमो कोसरे तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के चार मिसरे मुझे और याद आते हैं कि हद शहूर हद मफाहिम लिख दिया, अरे दुनिया में तख्ते ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बसमीम लिख दिया। ये बात जब डॉक्टर नवाज देवबंदी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा हर्फ को लफ्ज को जुमलों को जिला दी हमने, उनके मनसूब ख्यालों को दुआ दी हमने, कह के कुछ नात के अशार बनाने अहमद शायरी क्या तेरी तौकीर पढ़ा दी मैंने। मेरे दोस्तों ये बनारस के शायर नसीर बनारसी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि नबी के पांव के तलवे से जब लगा पानी, लगा के कौसर तस्लीम बन गया पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी, अरे वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पीता ये मेरा बचा हुआ पानी। ये मेरे दोस्तों ये मुस्लिम शोरा है, ये बात जब गैर मुस्लिम तक पहुंचती है, बिरादराने वतन तक पहुंचती है, शंकर कैमूरी जैसे शायरों तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है मेरे दोस्तों कि कुंवर महेंद्र सिंह जहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद कोई चारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीना की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। कालका प्रसाद यूं गया हुए कि जो शर्क से हो गर्द तलब की हमें दीनार, लेकर जमीन ताबे फलक माल के अंबार, अरे दरिया सभी मोती बने पारस बने कुहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर कालका प्रसाद से पूछे कोई काले, नालों ने मोहम्मद वही सर को उठा ले। मनचंदाबाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। कृष्ण बिहारी मूर ने कहा कि तू चाहे दहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, अरे मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। मेरे दोस्तों भोपाल के शायर तक पहुंचती है विजय तिवारी तक ने, तब तो मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि उन्होंने एक मतला कहा था कि वो नबी का दुश्मन है और मैं एक पुजारी हूं, अरे वो भी एक तिवारी है मैं भी एक तिवारी हूं। इस तमाम तसलसल को ले जाकर हम जनाबे शंकर कैमूरी तक जाकर रुकते हैं और आप ये देखे कि नाते रसूल किस अंदाज में कहते हैं, उनको आने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं अपने बड़े भाई शंकर कैमूरी का, कि अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, लेकर समंदरों की सियाही भी आइए, सारे दरख्तों का कलम बनाइए, अरे निधात नबी की हूरे मलक से लिखाइए, कागज कलम सियाही न गौहर लिखाएगा, फिर भी नबी की नात कोई लिख न पाएगा। हेलो सदर मोहतरम
माननीय मंत्री महोदय, जानदार और शानदार मंत्री और माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर बाबू, खगड़िया में माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहां मैं गया था, वहां भी और कई जगहों पर मुलाकात है। आपके सुपौल में कई बार आने का शरफ हासिल हुआ, आपकी बारगाह में पहली बार हाजिर होने का शरफ हुआ है, और पहली बार तो ये मुशायरा हो भी रहा है जैसा बताया गया। नाते पाक का हुक्म हुआ है कि शंकर कैमूरी नाते पाक पेश करें, आप सबकी इजाजत है? नहीं, इसमें तो तालियां नहीं बजती हैं, नाते पाक में तालियां तो नहीं बजती है, नाते पाक में सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना है, और देखते हैं कि सुभान अल्लाह माशाल्लाह से कितना आप नवाजते हैं, और क्योंकि नाते पाक का एक तरीका है, एक सलीका है, फरिश्तों चलो तुम यहां सर झुकाकर, ये जन्नत नहीं है, मोहम्मद का दर है। क्या बात है भाई, स्वागत है सर। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दिए सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह बस, ये आगे ही के लोग बोल रहे हैं, आगे से पीछे तक इधर से उधर तक अगर एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए तो मैं एक शेर सुना दूं। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है, हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक बात जब भी कोई, इसके बाद पर से समझ रहे के हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है, और सर जाए तो सर जाए हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद शंकर साहब जिंदाबाद। हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है उसकी जबान से गोया कुरान बोलता है, सर जाए तो सर जाए हक हो मगर न रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है, और तेरी मजाल क्या है शंकर जो नात कह ले, तेरी जबान से उनका फैजान बोलता। क्या बात है भाई शंकर साहब, शंकर साहब इधर आइए, अरे बाबा वाह बाबा जिंदाबाद, क्या बात है, क्या एतराब किया, तेरी मजाल क्या है शंकर जो नात कह ले, तेरी जबान से उनका फैजान बोलता है। क्या बात है भाई, के रहमतों का खजाना, आय हाय हाय, सलामत रहे, रहमतों का खजाना सलामत रहे। इधर तक भी आवाज जा रही है, माननीय मंत्री जी तक भी आवाज जा रही है जी, के रहमतों का 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए उसमें अव्वल और आखिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिनकी शान में जो अशार पढ़े आ जाते हैं नाते पाक के अशार हैं, के रहमतों का खजाना सलामत रहे, एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, के रहमतों का खजाना सलामत रहे सलामत रहे, मिसरे सानी पे पूरी तवज्जो, के रहमतों का खजाना सलामत रहे, तुम मुस्तफा का घराना सलामत रहे। शंकर कैमूरी जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ा बड़ा सा, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, रहमतों का खजाना सलामत रहे सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे सलामत रहे। क्या बात है भाई, शेर पेश कर रहा भाई, एक मिनट, मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इतने शरीफ तो आप नहीं है जितनी शराफत आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, आप बोलिए। मैं कहा करता हूँ अक्सर, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं, जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं,
थोड़ा बोल के एक मतलब दोनों हाथों को नबी के नाम पर फिजा में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह और शंकर के अमूरी का इस्तकबाल कीजिए। वाह हजरत, जब सुभान अल्लाह शंकर बोल सकता है क्या बात, तो गुलाम शब्बीर को क्या परेशानी है? क्या बात है, वाह 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 वाह। और सुभान अल्लाह बोलने में सर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नाम आया माल में 10 नेकियां अता करते हैं। सुभान कसीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हरूफ है, इसलिए जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 99 नेकियां दर्ज होती हैं। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दिए सुभान अल्लाह। क्या शंकर भाई क्या मुताला वसी है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा का घराना सलामत रहे। शेर पेश कर रहा हूं जी, अता करे नवादिश उनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, टुकड़ों पे पलता है सारा जहां। क्या बात है, उनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां जी। थोड़ा सा आप लोग उनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, उनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां। उनका ये आबदाना सलामत रहे, उनका ये सलामत रहे, उनका ये आबदाना है सलामत रहे, जिंदाबाद। एक शेर और समाप्त करेंगे। क्या मफहूम में उसत है, क्या कुवत है के दिल मदीना और मंजिल आए हाय हाय मदीना बने आए हाय, क्या अर्ज़ दिल मदीना और। हजरात देखिए, जब तक मैं शंकर हूं सरकार के रोजे की जियारत नहीं कर सकता, क्या बात है, लेकिन कर क्या सकता हूं कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए। आए हाय हाय, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए, और जबान पे जिक्र रसूल आ जाए तो हवा चले तो गुजारिश बस यही आका कि हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। क्या बात है शंकर साहब। लेकिन शंकर साहब मुझे एक शेर याद आया कि शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते, हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, क्या बात है, के उनके टुकड़ों दिल मदीना और मंजिल मदीना बने हाय 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 हाय, दिल मदीना आवाज खोल और मंजिल मदीना बने। आप तक आना जाना सलामत रहे, आप तक आना जाना सलामत रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तक आना जाना सलामत रहे, के गुलसिता बन गया हरे सहाबा का दिल। देखे मेरे दोस्तों क्या तर्जमानी हो रही है, गुलसिता बन गया हरे सहाबा का दिल, सहाबा का दिल। आपका मुस्कुराना सलामत रहे, आपका मुस्कुराना सलामत रहे, आपका मुस्कुराना। और बड़े की तो मोहब्बत के साथ मक्ता हाजिर कर रहा हूं, अतः कीजिए नवादिश। के मिल ही जाएगी शंकर को थोड़ी जगह, अरे एक बार कह दीजिए आमीन। क्या सलीके से मिसरा उला, सब हम ही को कहना है मक्ता लाजवाब। के मिल ही जाएगी शंकर को थोड़ी जगह,
सलामत रहे आसियों का ठिकाना सलामत रहे रहमतों का खजाना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे। अरे शंकर भाई और थोड़ा सा क्यों दिल तोड़ के जा रहे हैं, आखिर तो कोई बात है, एक नात और सुनाइए, बाकी तो पूरी रात है, एक नात और सुनाइए। माशाल्लाह थोड़ा सा इस्तकबाल आप सुभान अल्लाह कह के इस्तकबाल कीजिए, आप जब खामोश हो जाते हैं तो डर नहीं। नूर कपे करे सुनते जाए नूर कपे करे भाई असद साहब उठाए थोड़ा, अरे स्टेज से भी गुजारिश है जी कि नूर कपे करे अल्लाह रूए मुनव्वर अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूं, तल्मीही शेर है। पत्थर के लब बोल उठे क्या बात है, हाँ हजरा लब बोल उठे, बुझे हल्ला क्या कहा, मुट्ठी में क्या है बताइए। सरकार ने फरमाया कि हम क्यों बताएं, जो है वही बता दे। आए है कि मैं एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह के पत्थर के लब बोल उठे हैं। बेटा बैठ जा तू, क्या बात बैठ। नूर का पै करे अल्लाह रूए मुनव्वर अल्लाह पत्थर के लब बोल उठे हैं, पत्थर के लब बोल उठे हैं शान पयंबर अल्लाह अल्लाह शान पयंबर अल्लाह अल्लाह शान पयंबर अल्लाह अल्लाह क्या बात शान पयंबर अल्लाह अल्लाह। शेर पेश करता हूं, जन्नत जैसा प्यारा प्यारा आए है, जन्नत जैसा प्यारा प्यारा रोज़े अतहर अल्लाह अल्लाह रोज़े अतहर अल्लाह अल्लाह रोज़े अतहर अल्लाह अल्लाह। और सरकार की आमद पेश कर रहा हूँ एक शेर में, एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह अता करे नवादिश। आमिना बी के घर में उतरा, क्या बात है, आमिना बी के घर में उतरा, आमिना बी के घर में उतरा माह मुनव्वर अल्लाह अल्लाह माह मुनव्वर अल्लाह अल्लाह माह मुनव्वर अल्लाह अल्लाह नात नबी की कह लेते हैं, क्या बात है, नात नबी की कह लेते हैं हम भी शंकर अल्लाह अल्लाह हम भी शंकर अल्लाह अल्लाह रूए मुनव्वर अल्लाह अल्लाह शान पयंबर अल्लाह। शंकर साहब जिंदाबाद।